भाई हुंडई में किया का सामान कोलैबोरेशन। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज है 2/5/2022। तो एक्चुअली आज क्या था, ऐसा सीन है कि आज अपनी गाड़ी की सर्विसिंग होने वाली है। लाइक ऑलमोस्ट 30,097 किलोमीटर हो चुकी है अपनी गाड़ी। एंड लेट इसलिए बिकॉज घर में थोड़ी सी फंक्शन था, इसलिए मैं एक दिन लेट हूँ। लेट नहीं होना चाहिए बट कोई ना, इतना चल जाता है। तो अभी अपन जल्दी से चलते हैं एंड गाड़ी में एक दो काम भी, जो मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना के बताया था कि क्या क्या उस पर काम कराना है, वो सब काम आज आप इस पर कराएंगे। एंड उसके बाद देखेंगे क्या कैसा रिजल्ट रहता है काम कराने के बाद। ओके, तो लेट्स जल्दी से पहुंचते हैं एंड गाड़ी का काम। भाई रीवा का तो जाम है ना यार, कसम से बता रहा हूँ, हेडेक वाला है। मतलब हेडेक वाला तो नहीं कह सकते, बट जब आप जल्दी में रहो और जाम पड़ जाए ना सामने, तब तो फिर वॉट लगनी निश्चित है। लगता है कितना जल्दी पहुंच जाए और उतना ही ज्यादा टाइम लगता है आपको वहां आपके डेस्टिनेशन पहुंचने में। तो सामने अपने बॉस चल रहे हैं, तो इनसे आगे हम कैसे जा सकते हैं, ये भी तो आप सोचिए। ठीक ठीक, जितना पाउडर लगाना लगा ले भाई, आज अपनी रानी रानी बन के आएगी। भाई पिछला कुछ हफ्ता इतना बुरा बीता ना, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो एडिट करूँ और उसको अपलोड करूँ। तो आई एम रियली सॉरी बिकॉज एक हफ्ते ऑलमोस्ट हो चुके हैं वीडियो अपलोड हुए। बट कल डेफिनेटली लगातार वीडियो आने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड। अलग अलग व्लॉग्स भी आएंगे, साथ में कुछ कार रिलेटेड वीडियोज भी आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं आपके लिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज हुंडई वेन्यू से रिलेटेड एंड जो अपने टॉप की गाड़ियां इस टाइम पे प्रेजेंट में हैं उनके बारे में डिटेल में आपको मैं वीडियो बना के देने वाला हूं। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। गर्मी अभी तो मेरे को नहीं समझ में आ रही पिछले एक घंटे से, बट गर्मी बहुत ज्यादा है अपने रीवा में। एंड अभी जब यहाँ से निकलेंगे ना, एंड जब बाहर काम होगा, मेरी आदत आपको पता है कि मैं अपने सामने सभी काम कराता हूँ। अपने रीवा हुंडई की सबसे अच्छी बात यही है कि वहाँ आप कैमरा यूज कर सकते हो बड़े आराम से, कोई कुछ नहीं बोलता, बिकॉज सब अपने भाई हैं एंड सब के सब बहुत अच्छे हैं। तो दे आर सो काइंड, तो वहाँ पे आपको वीडियो बनाना, बहुत से मैंने सुना है मेरे फ्रेंड लोग ने, जो मेरे फ्रेंड लोग हैं वो कहते हैं कि भाई एजेंसी क्या, मतलब कि सर्विस सेंटर के एजेंसी तक में कैमरा अलाउ नहीं है। बट ऐसा क्यों होता है मुझे खुद भी नहीं पता। बट अभी अपन जल्दी से चलते हैं, मैं गाड़ी चलाने पर ध्यान देता हूँ बिकॉज मैं थोड़ी सी आधे घंटे लेट हूँ। तो जितना जल्दी यहाँ से पहुँचेंगे उतना जल्दी अपन वहाँ से फ्री होंगे। तो अभी भाई एक प्रॉब्लम थी गाड़ी पे कि अपना जो सनरूफ था ना वो वन टच पे काम नहीं कर रहा था। तो ये चीज़ मैंने क्या था, दबा के आप रखो तो, मतलब दबा के आप रखो तो बढ़िया से काम करता, बट पहले जैसे वन टच पे आपको पता है हुंडई वेन्यू में वन टच सनरूफ है, तो इसको अपन जब पहले ऐसे दबा के रखते थे तब काम होता था, बट मतलब कि दबा के रखते थे तब काम होता था, बट अब ये चीज़ ठीक हो गई है कि इसको अपन एक बार टच कर देते हैं, वन टच में पूरा सनरूफ ओपन हो जाता है। तो ये चीज़ तो अपनी रिसॉल्व हो गई। अब आती है बात अपने डोर्स की, कि जो डोर्स में हल्की वाइब्रेशन थी एंड जो रैटलिंग नॉइज़ थी, तो उसको रिसॉल्व करेंगे। एंड ये 30,000 किलोमीटर वाली अपनी सर्विसिंग है एंड अपन इस बार भी सिंथेटिक ऑयल ही डलवाएंगे एंड देखते हैं कि क्या कुछ इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट इसमें अपन को मिलता है। हुंडई में किया का सामान कोलैबोरेशन।
भाई अभी अपनी सर्विसिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड देख पा रहे होगे एकदम चकाचक हो गया एक एक पोर्शन, और जो जो मैंने बोला था वो सब चीज़ें हो गई हैं। लाइक जो इस डोर से आवाज़ आती थी वो भी कंप्लीट है, एंड इस डोर से जो आवाज़ आती थी वो भी, मिरर पे जो वाइब्रेशन था वो भी, लगभग 100 में से 99.99 चीज़ें वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। एंड ये जो बिल है ये मेरे 30,000 किलोमीटर्स होने के बाद मैंने ये सर्विसिंग कराई है, तो आप सोच सकते हो ये कितने का बिल मेरे को पड़ा होगा। इसके बारे में डिटेल में आपको कल बताऊंगा, बिकॉज आज थोड़ी सी लेट है एंड अभी अपन यहाँ से निकलेंगे एंड आपको डिटेलिंग में आपको दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एकदम चकाचक करके दिया है भाई लोग ने। वो मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि हुंडई की सर्विस, खासतौर पर रीवा हुंडई की सर्विस ऑलमोस्ट हमेशा टॉप नॉच होती है। एक बिग थम्स अप टू हुंडई इंडिया। एंड हाँ, ये वाला जो प्रॉब्लम थी आपके सनरूफ वाली प्रॉब्लम थी वो भी रिसॉल्व हो गई है। इसमें क्या था, वन टच पे ये काम नहीं कर रहा था, वन टच उसको दबाए रहो तब काम कर रहा था, अब वन टच में बड़ी आसानी से ये काम कर रहा है। गाड़ी की कंडीशन कुछ ऐसी है, एकदम नीट एंड क्लीन, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। साल से ऊपर हो गया, चला लेते होंगे ना मैं? नहीं, वो सब फ्रिज की रहता, जानता था बच गई ना। आ गया ऐसा घुसी अपने से, साइकिल से डर के गाड़ी से उड़ रही मुझे आज। तो बस अभी गाड़ी की जो कंडीशन वो कुछ ऐसी, अपन आ गए हैं घर पे एंड टॉप नॉच गाड़ी एकदम चकाचक दिख रही है। तो अब बात करते हैं अपन इसकी बिलिंग की, कि क्या कुछ कैसा बिल आया मेरे को एंड किस किस चीज़ का कितना पैसा लगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ, अगर बिल की बात की जाएगा तो बिल अपना बना है करीब 7,018 रुपीज़ का अपना बिल टोटल बना है, पार्ट इनवॉइस एज वेल एज लेबर इनवॉइस, बिकॉज इसमें लेबर चार्ज जो है वो इसमें जुड़ जाता है। तो ओवरऑल बिल अपना गाइस 7,800 है। अगर आप में से किसी ने भी ये सब कराया है तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बिल जो है वो मुझे सही मिला है या इसमें कुछ लोचा है, एंड क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी थी, क्या क्या चीज़ें नहीं ज़रूरी थी, ये ज़रूर आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो एट लास्ट आप, तो इसमें अपना क्या क्या हुआ है, एयर फिल्टर, एयर क्लीनर, सर्विस किट, ऑयल फिल्टर, सिंथेटिक ऑयल, जैसे मैं हर बार आपको, तो सिंथेटिक ऑयल का प्राइस में 2,990 रुपीज लगा है। फिर उसके बाद पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस, एसी डिसइंफेक्टेंट सर्विस प्रो लार्ज, ये सब इसमें कॉस्टिंग इसमें हुई है और इसका सबका मिला के हुआ 7,018 रुपीज। एंड अगर आप ये सब कोई भी काम कराए हों और अगर आप कुछ चीज़ का एक्सपीरियंस, आप जरूर बताइएगा कि प्राइसिंग इसमें सही है या गलत है। तो ओवरऑल गाड़ी कंडीशन को टॉप नॉच, मैं हमेशा से हुंडई की सर्विस से खुश ही रहा हूँ ऑलमोस्ट हर टाइम। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। टिल देन टेक केयर, बाय।